लोगों ने स्वीकार किया और जो तथ्य सामने आए आप लोगों के माध्यम से भी, जनता के माध्यम से भी, कर्मचारी अधिकारियों के माध्यम से भी, वही तथ्य है। हमारी चुनौती है उसको माननीय मुख्यमंत्री जी स्वीकार करें और जांच आयोग बनाए, तथ्य देने का काम हमारा है। और यदि वो नहीं करते हैं तो वो जाने, जनता जवाब देगी। लेकिन इन तथ्यों के आधार पर हम माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी से इस सरकार के बर्खास्तगी की मांग करेंगे और जो केंद्रीय मदों का दुरुपयोग हुआ है जादू से, 10,000 गोठान बन गए बिना पैसे, 25,000 करोड़ रुपए होते हैं, तो इनके दुरुपयोग जो किए गए हैं उसमें हम सीबीआई जांच की मांग करेंगे, जो केंद्रीय फंड का दुरुपयोग हुआ है। प्रधानमंत्री जी का आगमन हो रहा है छत्तीसगढ़, पर्टिकुलर रायपुर में हो रहा है, क्या मुद्दे होंगे चुनावी? प्रधानमंत्री जी का आगमन हो रहा है, प्रधानमंत्री जी का आना ही हम सबके लिए प्रसन्नता का विषय, उसमें मुद्दे की क्या बात है? करोड़ों की सौगात देने वाले हैं वो, कौन कौन सी सौगात होगी? मैं माननीय प्रधानमंत्री जी छत्तीसगढ़ के प्रभारी रह चुके हैं, प्रत्येक जिले को वो देखे हैं, बहुत लोगों को व्यक्तिगत तौर पे जानते हैं, यहाँ की समस्याओं को व्यक्तिगत तौर पे जानते हैं, इसलिए उनसे कुछ कहना ठीक नहीं है, वो सबको जानते हैं और जो छत्तीसगढ़ के लिए अच्छा होगा वो सब करेंगे। यदि भूपेश सरकार प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित करती, माननीय केंद्रीय मंत्रियों को आमंत्रित करती तो इसके स्वरूप दूसरे होते हैं। उन्होंने तो ऐसी शब्दावली का उपयोग प्रधानमंत्री जी के लिए किया है, ऐसी शब्दावली का उपयोग केंद्रीय गृह मंत्री जी के लिए किया है जो राजनीतिक भाषा नहीं की जा सकती, और आरोप प्रत्यारोप ही उनका उद्देश्य रहा है। छत्तीसगढ़ का विकास भूपेश सरकार का उद्देश्य नहीं रहा है। कांग्रेस संगठन ने यह भी कहा है कि बीजेपी छत्तीसगढ़ में खत्म हो गई, इसीलिए पीएम मोदी और अन्य लोगों को आना पड़ रहा है। आप अध्ययन कर लीजिए कौन खत्म हो रहा है, उसको देश की राजनीति में देख लीजिए। कांग्रेस तो है नहीं, एक परिवार की कांग्रेस है, जनता की कांग्रेस तो है नहीं। और ये जितने अपने आप को कांग्रेस के नेता बोलते हैं वो सब एक परिवार के चपरासी है। पूछने की बजाय आप लोगों को शहर घूमना चाहिए। आजकल परसों सभा स्थल में आप सब ज़्यादा आमंत्रित हैं, रायपुर के लिए और छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक सभा होगी। प्रधानमंत्री जी की जो सभा है उसको लेकर कांग्रेस आरोप लगा रही है कि जो पैसे देकर पीड़ित इकट्ठा कराने के लिए जो है काम कर रही है, उसको मोदी जी को सुनने के लिए कोई लोग नहीं आना चाहते। ऐसा है, भूपेश बघेल जी माननीय मुख्यमंत्री भेंट मुलाकात में जाते थे ना, उसके लिए कलेक्टर रिहर्सल करवाते थे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। ये वर्ल्ड आइकॉन प्रधानमंत्री जी, और उसके लिए ऐसा सोचना बोलना भी पाप है। प्रधानमंत्री 4 साल बाद छत्तीसगढ़ की जमीन पर उतर रहे हैं, 4 साल तक छत्तीसगढ़ के लोग बीच नहीं आए। 4 साल में छत्तीसगढ़ नहीं आए या आए ये महत्वपूर्ण नहीं है, समझ रहे ना। महत्वपूर्ण ये है कि वो छत्तीसगढ़ आ रहे हैं और छत्तीसगढ़ के बारे में क्या सोचते हैं, क्या क्या उन्होंने छत्तीसगढ़ के लिए किया है, क्या करने जा रहे हैं देश के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए, ये आप आके सुनिए परसों सभा में। जिस तरह से अमित शाह आए हुए हैं, अमित शाह तैयारी कर रहे हैं, कहा जा रहा है कि जो छत्तीसगढ़ चुनाव की तैयारी है उसकी कमान अमित शाह ने अपने हाथ में ले ली है। प्रदेश प्रभारी जी ने कहा है, गृह मंत्री नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आ रहे हैं और चुनाव तैयारी तो करेंगे ही, कर रहे हैं, उसको छिपाने की क्या बात है, गोल गोल बोलने की क्या बात हो, क्या कांग्रेस घर में बैठी है? तो ये कोई प्रश्न नहीं है, जो नेता आ रहे हैं तैयारी के लिए आ रहे हैं, तैयारी करेंगे और चुनाव जीतेंगे। हमने कहा है 18 दिसंबर को जब नई सरकार बनेगी तो जांच होगी और सब जाएंगे जेल के अंदर, पूरी कैबिनेट सहित करेंगे। प्रधानमंत्री ये आज कुछ आगमन हो रहा है, केंद्रीय मद की राशि का आपको लगातार हो रहा है कि दुरुपयोग हो रहा है, कांग्रेस का ये कहना है कि केंद्रीय मद की राशि उन्हें प्राप्त ही नहीं हो पा रही है। ठीक है, नहीं हो रही तो मुझे आप बता दो कि नरवा गुरवा गरवा बारी बंद कैसे रहा है, उसके लिए बजट में 1 रुपया नहीं, 1 रुपया बजट में नहीं है, कैसे बन रहा है वो 10,000 गोठान कैसे बन गए, 25 लाख से गुणा कर दो तो 25,000 करोड़ होते हैं, तो जादू साया है।
कि छत्तीसगढ़ से सरकार ने प्रेस छापा है नोट छापने के लिए, सरकारी प्रेस रायपुर में छपता है उनका नोट, की महादेव सट्टा से आता है कि हवाला से आता है कि राजनांदगांव प्रेस में छपता है। कांग्रेस का कहना है कि आगमन के ठीक पहले अमित शाह पहुंच रहे हैं, आज बैठकों का दौर भी चलेगा, क्या लगता है इन बैठकों से 2023 के चुनाव पर कितना? अभी तो मैंने उत्तर दिया ना, सरकार बन रही है हमारी, उसी की कवायद है, बहुमत की लड़ाई नहीं है, सरकार के शपथ की लड़ाई है। सर सीबीआई जांच की मांग को लेकर क्या कुछ रहेगा इसमें? सीबीआई जांच की मांग इसलिए है कि हमारे पास प्रमाण है, दस्तावेज है, केंद्रीय मद की राशि का दुरुपयोग किया गया, और केंद्रीय मद की राशि का दुरुपयोग हुआ है तो भले सीबीआई राज्य में अपने कार्यों से प्रतिबंधित कर दें, लेकिन केंद्रीय राशि के जांच के लिए सीबीआई स्वतंत्र है और उस जांच की हम मांग करेंगे। कांग्रेस का जब जांच बैठाते हैं उसके बाद उसमें उनके पाप धुल जाते, बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं तो सभी अधिकारी कर्मचारी पाप धुल जाते हैं बीजेपी ज्वाइन करने के बाद नेताओं से? ऐसा है, ये अनावश्यक प्रश्न है। मैं ऐसे सैकड़ों उदाहरण बता दूंगा कि परिवार के परिवार सिर्फ इसी काम में लगे, राजनीति इसलिए कर रहे हैं कि वो घोटाला कर सके। बताओ लालू प्रसाद जी यादव के परिवार में किसके ऊपर प्रकरण नहीं है और किसने भाजपा ज्वाइन कर ली? मुलायम सिंह यादव के कौन कौन के ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं है और हमने दर्ज किया है क्या उसको? सोनिया जी के ऊपर या कांग्रेस के नेताओं के ऊपर जो आरोप दर्ज है हेराल्ड का, उसको वो कोर्ट ने दर्ज किया है, भारतीय जनता पार्टी ने दर्ज नहीं किया सुब्रमण्यम स्वामी जी की याचिका पर। तो आप लोग ये साबित करते हैं कि साहब इसका ऐसा हो रहा है, पूरे तथ्यों को जानिए। धन्यवाद सर। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें वो भी HD क्वालिटी में, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।